अब हम परमा कल्चर के अंदर चलते हैं। ये कही है परमा कल्चर बीच में वो हमारे रिवर पॉन्ड। और ये देखिए ये बनाना जो मैंने आपको बताए थे 900 लगाने हमने, ये लाइन में लगे हैं बनाना। और नाइट्रोजन फिक्सर जो है मुरिंगा वो लगे हैं। ये देखिए ये हमने अपने फार्म के अंदर भी कीकर लगाए हैं। मैं आपको अब रोज़ दिखाता हूँ, हमने 500 से भी ज़्यादा रोज़ लगा लिए हैं। ये सारे कलरफुल रोज लगाए हमने। ये देखे ये येलो है तो ये रेड है, ये मिक्स है, और आगे पिंक है रेड है। और ये कहीं यहाँ पे भी रखे हैं। ये हमारे रिवर अभी सूखा हुआ है, इसमें मार्च में मछली छोड़नी है। ये कहीं पिंक फ्लावर, ये तो ये हमने रिवर के साथ बनाना लगाए हैं। ये सारे ये अमरूद लगा हुए हैं, इसे हम ऐसे ऊपर से तोड़ देते हैं ताकि ये ना यहाँ से घना हो जाए, ये घना होता है फिर, वरना ये अगर ना तोड़े तो ये ऊपर से निकल जाता है और बड़ा हो जाता है काफ़ी। आपने नर्सरी में देखा होगा कि ये छोटे छोटे होते हैं पर वो काफ़ी घने होते हैं, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। मैंने काफ़ी सारे तोड़ दिए, आज हम आगे चलते हैं। ये कि कितने खूबसूरत वाइट और येलो भी फ्लावर्स आ गए हैं। अब मैं आगे आपको दिखाता जाता हूँ। ये कि ये रेडिश फ्लावर, इन्हें लगाए हुए अभी टाइम नहीं है, अभी निकले नहीं है इतने, वरना ये ऐसे घने हो जाते हैं, इन पर इतने फूल के गुच्छे लगते हैं। इतने आइलैंड यहाँ पे हमने हट बनाने, यहाँ पे फ्लावर ये बाद में ऐसे घने हो जाएंगे, इतने अच्छे लगेंगे ये बाद में, इतने खूबसूरत लगेंगे। तो ऐसे ये कि इस पर 3 लगे, वैसे ही काफ़ी सारे एक भी लगे होंगे। देखिए यहाँ पे हमने सब्जियाँ लगाई हैं काफ़ी सारी, ये बनाना सब्जियाँ, ये गाजर लगी है। यहाँ पे भी फ्लावर लगे हैं। ये जो नहर में पानी फिनिश हो गया, इसकी वजह से अभी हम ये अपना रिवाइव भी नहीं भर सकते, पॉइंट नहीं भर सकते। ये कि यहाँ पे भी ये लगाए हमने फ्लावर, ये देखें ये अमरूद, ये लगे भी हुए हैं, ये गुच्छे में लगे हुए हैं। ये देखें यहाँ पे भी 3 लगे हैं, यहाँ पे भी है, ऐसे करके हमारे अमरूद भी काफ़ी भरे हो गए। ऐसे हमारी अर्निंग भी अमरूद से होने लग जाएगी अगले साल इंशाल्लाह। ये कहीं फालसा के पौधे, फालसा ये हमने बड़े बड़े बनाना लगाए थे, अब वो ऊपर से फूटेंगे, बाद में हम इनकी मल्टिंग करेंगे और इनके बच्चे निकलेंगे फिर नीचे से। गावा फालसा बड़े का वो फूट गए, ये हमने बनाना लगाया था, इसके बाद में पत्ते निकलेंगे हम काटेंगे, फिर उसका नीचे से वो उसका बेबी प्लांट निकलेगा, यहाँ से उसके बेबी प्लांट निकलते हैं वो भी घने हो जाते हैं। ये देखें ये फूटा हुआ ऊपर से, ये गावा, ये देखिए कितनी हमने मल्चिंग की है नीचे। देखिए इस पर कितने सारे अमरूद इकट्ठे रखे हुए हैं। ये देखें
कितने सारे अमरूद इकट्ठे लगे हैं गुच्छे में, भरे पड़े हैं। ये बस मल्चिंग के जैसे इतने घने हुए हैं, इन्हें भी हम ऊपर से तोड़ सकते हैं। ये पहले ही हमने तोड़ लिए ताकि ये घने हो जाएं। ये देखें, ये ऊपर से तोड़ लिए हमने, यहाँ से भी यहाँ से भी। ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये भी मिक्स कलर है। देखिए हमारे परमा ऑर्चर्ड बन रहे हैं यहाँ पे, हमने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा दिए। और ये है कि ये थाउजेंड्स में प्लांट्स अभी भरे भी हुए हैं, 500-600 अभी हैं प्लांट्स। ये अमरूद के हैं गावा, ये देखें, ये भी हमने अभी परमा ऑर्चर्ड में लगाने हैं। यहाँ पे भी हमने मिट्टी डाल के पानी डालना, आगे लग गई है मिट्टी और पानी। ये देखें नाइट्रोजन फिक्सर गावा, नाइट्रोजन फिक्सर गावा, ऐसे करके लगाए हमने। एक इकट्ठे हमने गावा के बाद गावा ऐसे नहीं लगाए। क्योंकि ये बीच में हमने 10 फुट की जगह छोड़ी है चलने के लिए, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा, घना हो जाएगा, ऊपर से बंद हो जाएगा, बाद बीच में घूमने की जगह होगी।